आप देख रहे हैं जेके यूटी 7 में आपका सहयोगी मोहम्मद रफी। आज हम खास बातचीत करने के लिए जा रहे हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ तहसील बनी के अंदर जो हमारे कुछ रिपोर्टर हैं और कुछ हमारे ही सहयोगी हैं, और हम खास उनसे बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। और बनी कांसी चुनसी डुगन छरोडी और बहुत सारे ब्लॉकों के अंदर जो मुश्किलें हैं, तो हम इनसे ही बात करने जाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले JKUT 7 में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए सर। जी, मेरा नाम है सरफराज सफदर गनाई। मैं ब्लॉक दुग्गन का रहने वाला हूँ, तहसील बनी, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, जम्मू कश्मीर का रिहायशी हूँ। जी, जी तो आपने हमें टाइम दिया सर, आपका बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं। JKUT 7 पे, ये वाहिद एक JKUT 7 है जो गांव की समस्या जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तो सरफराज जी, आप बताइए आपकी क्या समस्या है और क्या परेशानी है, और तफसीलन बताइए कि क्या परेशानी आपके डुगन ब्लॉक में है और क्या आपकी बनी कांसी चुनसी के अंदर क्या परेशानी है, जरा तफसीलन बताइए सर। देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, आज JKUT 7 ने जी मुझे मौका दिया बात करने का। मैं सबसे पहले दिल के अमेर गहराइयों से आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज मैं बता देना चाहता हूँ कि जी हमारे लोग जी 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे तहसील बनी से लेकर हमारा चार जो बनी कांस्टिट्यूंसी के ब्लॉक है, जी बनी ब्लॉक, डुगन ब्लॉक, डुगैन ब्लॉक और मल्हार ब्लॉक के लोग जी आज भी परेशान हैं। जी वो परेशानी सबसे बड़ी ये है कि हमारे लोग 75 साल पैदल चले, 75 साल अपनी पीठ पर पिट्ठू उठाकर और खच्चरों का सहारा लेकर घोड़ों पर सवार होकर अपने घर की तरफ गए। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, हमारे लोग अब ये वाली जो अब काफी अवेयर हो चुके हैं, अब हमारे लोगों को रोडों की जरूरत है। सबसे बड़ी बात ये बता दूं आपके चैनल पर आज जी कि बनी से लेके दमहान तक हमारी सड़क बन गई है। जी हमारे लोग अब बनी से दमहान गाड़ी में जाते हैं, आते हैं, आनंद लेते हैं। जी राही दमहान से आगे बाद लुआही, मल्हार, किंडली, मशेडी, खनैड, उधमपुर के साथ हमारा ये रोड अगर दमहान से आगे मिल जाए, जी आने वाले समय में हमारे लोगों को बहुत बड़े फायदे होने वाले हैं। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि बाहर रियासतों से लोग आएंगे, हमारे धग्गर में आएंगे, दमहान में आएंगे, जो हमारे टूरिज्म के हब हैं। सबसे बड़े जी बेरी गला है हमारा, नुलानी है, नुलानी की जगह है, दौला की जगह है, घारू की जगह है, ये कमलोक की जगह है, बहुत सारी जगह है। और सबसे बड़ा फायदा ये भी हो जाएगा कि हमारे 6 घंटे जो हम यहाँ घर से चलते हैं, जम्मू का रुख करते हैं बाया बसोली, जी वो 6 घंटे हमारे कम हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह भी मैं बता दूं कि जी हमारे लोग, जैसे जब मेरा दौरा मलाड पंचायत के अंदर रहा, जी तो वहां पर लोग जो है काफी परेशान है। आज भी उन इलाकों के अंदर, खित्ता मलाड के अंदर, वहां पर अभी नेटवर्क नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारी सरकार आज ये क्यों, मतलब क्यों नाकाम हो रही है कि जी टेली कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो बहुत कमजोर है हमारे मलाड के अंदर। हमारे जी लोग वोट देते हैं, हमारे लोग मरकजी सरकार को काफी सपोर्ट करते हैं। अच्छा काम इन इलाकों में चल रहा है, हमारे लोग बड़े अवेयर हो रहे हैं जब से नेटवर्क का सिस्टम आया है, जैसे सोशल मीडिया का जमाना आया है। और ये सबसे बड़ी मैं आपको चीज बता दूं, हमारे लोग अब चाहते हैं कि हम वो वाले 47 के वक्त हम ना देखें, अब लोग हमारे काफी अवेयर होना चाहते हैं। लोगों को पानी की समस्या, नेटवर्क की समस्या, लोगों ने मोबाइल रखे हैं, सिग्नल ही नहीं आता है। जी आज ऑनलाइन का जमाना है, जी बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं, बच्चे स्कूलों में कम पढ़ते हैं लेकिन मोबाइल पर ज्यादा पढ़ते हैं। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ आपके चैनल की वसादत से कि हमारे लोग फिर क्यों परेशान है। हमारे लोग, सबसे बड़ी परेशानी हमारे लोगों की ये है कि वो खुद सामने आगे आते ही नहीं है। हमारी मरकजी सरकार अच्छा काम करती है, हमारी इंतजामिया जम्मू कश्मीर की अच्छा काम कर रही है, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला तो होना चाहिए। अगर हम सब सोकर बैठेंगे, हमारे मसले हल होने वाले नहीं है।
हमें बोलने की आजादी है और हमें जो है पॉलिटिशियन की आजादी है, अपने तमाम हम जो है खुलेआम शरेआम और सो ऑन मीडिया फ्रंट के मीडिया के सामने और कैमरे के पीछे फ्रंट प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रिक मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जो अपने तमाम मसाइल को हम उजागर कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा हमें जो अख्तियार है जी। और बाकी मैं ये आपको एक चीज और बता देता हूँ जी। सबसे पहले मैंने बात की मलाड की दमहान के बीच में रोड का एक सिर्फ अब बचा है कोई 2 किलोमीटर देरी गला पहुंचने के लिए कटली वाला रोड जी, और दमहान से 8 किलोमीटर बचा है सिर्फ देरी गला रोड पहुंचने के लिए जी। अगर ये रोड जुड़ जाए जी, मैं कई बार सियासतदानों से मेरी बात हो चुकी जी, कई बार मैं खुद रेडियो जम्मू से आकाशवाणी पर बात हो चुकी जी, वहां पर मैंने बताई पब्लिक तक पहुंचाई गवर्नमेंट तक पहुंचाई, मेरा काम है जब तक हयात जिंदा रहूंगा छाती ठोक के अपने लोगों के हक के लिए मैं बात करता रहूंगा, ये मेरा पहला अवलीन फर्ज है, मेरा मकसद है यही। और मैं चाहता हूं कि कटली दमहान अगर टनल बन जाए तो एक आने वाले समय में हमारा 12 महीने रोड जो है ये देरी गला वाला बया मलाड़ वाला ये बहाल नहीं रह सकता है, क्योंकि वहां की जो जरात है खेती बाड़ी है वहां की जो मट्टी है वहां की जो जमीन है वो काफी कमजोर है, वहां की मट्टी वो काफी रेतली मट्टी है, पानी आने से एकदम वो रोड गिर जाता है, इसलिए हमारा टनल अगर कटली दमहान बन जाएगा तो काफी फायदा और 20 मिनट के आधे घंटे के अंदर अंदर हम जो है कठुआ पहुंच सकते हैं जी। हमारा ये इलाके जैसे 47 के बाद आज तक 75 साल इस साल मेरे देश ने योम आजादी का 75वां साल मनाया, लेकिन मैं चाहता हूं जैसे योम आजादी का 2023 के अंदर 29 रियासतों के अंदर और दीगर 9 यूटीज के लोग जैसे योम आजादी का 76वां साल मनाएंगे तो मेरे इधर इस इलाके के अंदर रोड के नेटवर्क हर गांव में रोड होना चाहिए, ये मेरी मरकजी इंतजामिया से मरकज सरकार से मेरी ये पुरजोर एक अपील है जी। ये इन इलाकों की एक समस्या है, इन इलाकों की समस्या का हल होना बड़ा एक जरूरी है, बाकी आगे आप और क्वेश्चन सवाल कर सकते हैं। सरफराज जी यहाँ पे आपको मैं रोकना चाहता हूँ, ये जो दमान से आपने जिक्र किया जो मलाड़ वाला रोड है दमान से कितने किलोमीटर आपने बताया ये कि ये अभी बिकाया जो है इस पे कोई नजर अंदाजी जो है कोई नहीं कर रहा है, नजर इस पे गवर्नमेंट की है या नहीं है। बाद में आपने एक बात और आपने कही कि 47 का दौर, क्या आप ये क्या कहना चाहते हैं कि 47 का दौर जो है ये जो कटली मल्हार के लोग जो हैं इन पे आज भी गुजर रहा है, कटली मल्हार का रोड जो है वो 3-4 सालों से बंद पड़ा है, तो क्या इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी रफीक जी ये बता दूं, माफ कीजिए रफीक जी, बात इस तरह से है कि हमारे लोग सिर्फ वोट देते हैं फिर आंखें बंद करके सो जाते हैं जी। आंखें बंद कर देखिए हमारे शास्त्र ऋग्वेद हमारे धर्म के अंदर बाकी दीगर धर्मों के अंदर ये बिल्कुल लिखा है कि हमें अपने वोट देने का पूरा अख्तियार है जी। किसी भी अपने रिप्रेजेंटेटिव को हम जो है चुन के अलर्ट करके असेंबली तक भेज सकते हैं जी। मैं किसी पॉलिटिशियन को दोष नहीं दूंगा जी। क्यों कि वो बेचारे काम अच्छे ढंग से करते हैं चाहे किसी भी पार्टी के हो जी जी, लेकिन जो हमारे गांव के लोग हैं क्या उनका एक ही काम है एक बार वोट देना बाकी सो जाना है जब तक जिंदा रहेंगे वो जी, उनका काम नहीं है कि वो अपने मसाइल को उठाएं। बिल्कुल आज सिर्फ हम सियासतदानों पर दोष दें तो ये सबसे बड़ी हमारी फेलियर है हमारी नाकामी है ये जी। हमारा खुद ही मकसद बनता है कि जैसे मैं अपने फिर मैं बता देता हूँ जी, मेरा दौरा मलाड़ में रहा जी, मैंने देखा वहां पर लोग बड़े बड़े एक जैसे 47 क्या पता ही नहीं उनको कुछ भी जी। और ये भी बता दूं जी खामोश बैठे हैं कोई सिग्नल नहीं कोई नेट नहीं चलता वहां पर कोई पर्सनली बात करनी फोन पर वो भी नहीं होती, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ वहां के सरपंचों को जी और पंचों को कि आप लोगों को जिता कर इन लोगों ने क्या किया जुल्म कर दिया है जी, क्या आपके साथ जुल्म किया है, आप खामोश क्यों बैठे हैं, आप अपना एक रेजोल्यूशन क्यों नहीं डालते हैं क्यों नहीं बात उठाते हैं, आप खुद वीडियो बनाओ नेट पर डालिए, हमें मीडिया बुलाने की जरूरत नहीं है कि मीडिया बनाए, अपने चैनल बनाओ फेसबुक पर वीडियो चढ़ा दो लिख दो वहां पर डिस्क्रिप्शन लिख दो थ्योरी लिख दो
वहां वो खबर आपकी दूर तक चलेगी। जब बोलेगा कोई नहीं तो हमें क्या उन सियासतदानों को क्या खबर आएगी? उनको तो हमारा काम बनता है कि उनको फोन करके बताएं, जो हमारे इस वक्त डीडीसी बनी, ये माफ कीजिए डुग्गन, आपके जो लोहाई मल्हार तक जो है डीडीसी ब्लॉक मल्हार के जो है जनाब कमल किशोर जी, जी उनके नॉलेज में बात को लाइए। और जनाब आपके चैनल से मैं ये भी बता देता हूँ, जनाब कमल किशोर जी आपका काम बनता है, आपका फर्ज है कि आप तमाम इलाकों का दौरा कीजिए, आप आते नहीं है, पब्लिक आपको एक अपने पैगाम मैसेज देना चाहती है, और आप हर गांव में जाइए, वो मीटिंग कीजिए, पब्लिक के मसाइल को पूछिए, रिकॉर्ड कीजिए, उनका उजाला कराइए, उनका हल करवाइए, ये काम है आपका। लेकिन अगर सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग पता नहीं कहाँ बैठे हैं, आप मेरी बात से नाराज हो जाएंगे, लेकिन नहीं, मैं आपके फायदे के लिए, पब्लिक के फायदे के लिए बोलता हूँ। अगर आपके पास एक बहुत बड़ी इस वक्त पावर है, जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर दफा 370 35A की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतों को 35 और डीडीसी को बहुत डीडीसी का बहुत बड़ी एक मरकज के द्वारा पहली बार एक बहुत बड़ा अच्छा स्टेप लिया था कि बहुत बड़ी पावर दी गई है, लेकिन अपनी पावरों का भी उन लोगों को पता नहीं है। क्यों क्योंकि पता नहीं है कि क्या करना है, हमें किस लिए चुना है, बस खामोश बैठेंगे, इस खामोशी से हाल होने वाला नहीं है। तमाम मैं इन सियासतदानों से अपील करता हूँ, खासकर जो मौजूदा है, आपका से यही पुरजोर अपील है, अपनी तमाम हर दिन स्टेटमेंट दीजिए, हर दिन स्टेटमेंट दीजिए, नेट पर चढ़ाइए ताकि पब्लिक देखे आपको, आपको जो मौजूदा सरकार है वो देखे, मौजूदा इंतजामिया आपको देखे, तमाम आपको लोग देखे, आपको देखना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। इन इलाकों को पीछा मत छोड़िए, ये इलाके ये स्वर्ग से कम नहीं है, जन्नत से कम नहीं है, लेकिन जन्नत की कीमत तब बनेगी, इसकी दो वाला कीमत तब होगी इन इलाकों की, जब आप लोग आगे निकलेंगे, इन लोगों का, मासूमों का आप सहारा बनेंगे। तो ये मैं आपको बता देता हूँ आपके चैनल से कि गवर्नमेंट से भी ये मेरी पुरजोर अपील रहेगी। हमारे लोग आज भी बड़े परेशान हैं, ओल्ड एज पेंशन की बात की जाए, ओल्ड एज पेंशन नहीं लग रही है जी। और खासकर मैं ये बता देता हूँ अपने, मैं थोड़ा ब्लॉक पर आऊंगा, मेरा डुगन का ब्लॉक जो है जी, मैं बहुत परेशान हूँ खुद भी जी। मैं इसलिए परेशान हूँ कि मेरे लोग 47 के मरकर आज चीखा पर और आज कब्रों में चले गए, लेकिन लोगों के मसले हाल बहुत सारे नहीं हुए हैं, वो लोग भी आज कब्रों में पहुंच गए जिन लोगों ने अपने ओल्ड एज पेंशन के लिए फॉर्म भरकर दफ्तरों में जमा करवाए थे, आज तक उनको पेंशन लगी नहीं, आज मरकर इंतजार करते 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 उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं था जी। ये क्या वजह थी? ये इसलिए वजह थी, जो हमने चुने हुए ये नुमाइंदे हैं ये सोए हैं, ये खामोश बैठे हैं, इनका कोई काम नहीं है। फिर जो मैं ये बता देता हूँ, अगर आप मेरी बात से नाराज हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जी। क्योंकि हिंदुस्तान आजाद है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, बोलने का पूरा अख्तियार है। ये लोग आज मुझे फोन करके बताते हैं, जनाब हमारी पेंशन नहीं लग रही, जनाब हमारे पीएमएवाई के मकान के मसले हैं। मैं पूछता हूँ कि जो आपने लोगों को जताया वो कहाँ है जी? कहते हो हमारी बात ही नहीं सुनते हैं। और मैं ये बता देता हूँ, आप कान खोल के सुन लीजिए कि ये जो है अपने इलाके की आप जो है नजरसानी कीजिए। और सबसे बड़ी बात ये भी मैं बता दूं कि हमारा ब्लॉक डुग्गन का, यहाँ ब्लॉक नाम का सिर्फ ब्लॉक है, इसको यहाँ पर तमाम सरकारी दफ्तर जो काम करते हैं ब्लॉक लेवल के ऊपर, आज वो सारे बनी में फंक्शन काम कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है, जो हमारे जीते हुए लोग हैं ये चैन की नींद सोए हुए हैं, इनको कोई परवाह नहीं है। और मैं ये बता देना, जब पब्लिक दरबार हमारे बनी में हुआ जी, डीसी कठुआ जनाब राहुल पांडे जी आए जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरपंच जनाब धनीराम जी ने जी, ये रेज मसला उठाया जी, कि डुग्गन का मसला जो है इसको हल किया जाए, वहां पर दफ्तर नहीं, दफ्तर वाले जो है तमाम ब्लॉक लेवल पर जो दफ्तर होते हैं उनको बिठाया जाए, सभी को जी, तमाम अफिसरान को बिठाया जाए जी। लेकिन जैसे वीडियो डुग्गन की बात आई, दफ्तर की बात आई, तो फिर उन्होंने कहा, डी साहब ने, मेरे सामने मैं भी उधर था बैठा हुआ दरबार के अंदर जी जी, कि आप जो है काम कीजिए, सरपंच साहब जी आप हमारे बीडीओ साहब ये बैठे हैं, इनको ले जाइए वहां पर बिल्डिंग देखिए, उसके बाद डुगन में आए, उसके बाद बिल्डिंग को चेक कीजिए, देखिए फ्लैट कीजिए, तो ये खुद क्यों नहीं जाते डुगन में जी। तो आप यहाँ पर डुगन में आए, फिर यहाँ पर बिल्डिंग नहीं थी, फिर वो बनी में काम कर रहा है,
किया जा रहा अभी भी आज भी। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारी ये सरकार की कुछ नाकामी है कि सरकारी बिल्डिंग अगर नहीं आपके पास है, नहीं बना पा रहे हैं आप, तो कि जो लोगों की बिल्डिंग पड़ी है जी उनको ले लीजिए, किराए पर ले लीजिए, जो मर्जी कीजिए, लेकिन ये सब कुछ हो जाता है लेकिन अगर पब्लिक बोले तो। और रही दूसरी ICDS डिपार्टमेंट की, जी इतना अरसा हो गया, मुझे बड़ा एक शर्म आती है, मुझे दुख है, मुझे अफसोस है जी कि आज ICDS का दफ्तर बने में वो भी काम कर रहा है, पूछने वाला कोई नहीं है, सब आराम की नींद सोए हैं। हमारे रिप्रेजेंटेटिव, मैं आपको बता देना चाहता हूं जी कि आप आवाज को उठाइए, जी आपको परेशानी लेने की कोई, आपको नदामत करने की, शर्मिंदगी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। जी मैं आप लोगों के साथ हूं, जी मैं जनाब हमारे प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी से पुरजोर जोर एक अपील करता हूं, जी वो हमारे सर के ताज है, जी हम उनकी इज्जत करते हैं जी कि सर आपसे भी एक पुरजोर अपील है हमारे आपके चैनल के वसादत से, मैं उनसे अपील करता हूं कि ये खबर हाईलाइट ज्यादा हो जी कि इन इलाकों में जो परेशानियां समस्या हो, आप एक अच्छा, तमाम पिछड़े इलाकों का बड़ा एक अच्छा नजर रखते हैं लेकिन आप तक जो है खबर नहीं पहुंचती है, इसलिए पुरजोर अपील रहेगी कि आप इन इलाकों के मसलों को हल कीजिए। यहाँ पर दफ्तर नहीं बैठ रहे हैं, यहाँ पर ATM की बड़ी परेशानी है, हॉस्पिटल की दुगनी बड़ी परेशानी है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनी में है, वहां पर पूरे जो है लेबोरेटरी सिस्टम का बड़ा निजाम ठप है, वहां पर तमाम जो डॉक्टर होते हैं, दीगर अलग अलग मतलब जो पार्ट्स के बॉडी के, वो भी वहां पर नहीं है। और मैं ये मुझे बड़े दुख से कहना पाती है ये बात कि डुग्गन ब्लॉक है, बनी ब्लॉक से बड़ा है, वह यहाँ डुग्गन ब्लॉक में यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, PHC नहीं है, यहाँ पर भी रात के समय में कोई मसला हो जाता है, हमारी माए बहनों को उठाकर कोई मतलब बच्चा होने वाला हो तो किसी बहन को, तो वो भी जिनको बनी में रात के समय पहुंचाना पड़ता है, कहीं अगर रोड ब्लॉक हो जाए, पसियां पड़ी हो, बर्फ का मसला हो, तो फिर जो किसी भी औरत की जान जा सकती है, कितना बड़ा लॉस होता है हमारे वोट का, वो वाला बच्चा जो आएगा, बच्ची होगी, वो इसी देश की नागरिक होगी, और वो काल को अगर वो अपनी जान गवा बैठती है, फिर एक जान नहीं दो दो जानें जाती हैं। जी तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ डुग्गन में प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बहुत एक अहम जरूरत है, हर ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक मतलब ये जो है क्या ना प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए। प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमारे डग्गर में बहुत बड़ी बिल्डिंग पड़ी, बेकार पड़ी है, इतना खर्च गवर्नमेंट रहा कि आप पूछने वाला कोई कोई काम नहीं वहां पर, हमारे दौला में बिल्डिंग है बेकार। इसलिए मेरी एक अपील रहेगी कि सोकर बैठने से मसला हल नहीं होगा, इसलिए आगे आना पड़ेगा, आगे आना बड़ा जरूरी है। हमारे डुग्गन के वीर जवान गुजरे हैं मरहूम, भगवान उनकी आत्मा को शांति बख्शे, जनाब वीर सिंह विक्टोरिया जी, जी वो मतलब जो फर्न की मुल्कों के साथ उन्होंने जंग करके वर्ल्ड वार में उन्होंने एक हिस्सा लेकर हिंदुस्तान को बहुत बड़ा नाम रोशन किया था, जी और बहुत मान सम्मान हम उनको इज्जत पेश करते हैं, जनाब वीर सिंह या विक्टोरिया जी को मरहूम है, उनको भगवान उनकी आत्मा को शांति बख्शे। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बड़े एक वीर जवान गुजरे हैं जी, तो उन दुग्गन में उनकी जो देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी थी और देश के लिए उन्होंने फतह पाई थी, इनाम रिवार्ड इनाम जीता था हिंदुस्तान के लिए, तो उनके नाम पर भी आज कोई हाई स्कूल नहीं, कोई हाई सेकेंडरी नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई मतलब कोई सरकारी बिल्डिंग का नाम अभी तक नहीं रखा गया। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि बनी दमहाड़ PMJ सड़क के नाम को हटाकर वीर सिंह विक्टोरिया नाम रखा जाए, उनके बोर्ड लगाए जाए, और उनके खानदान के बच्चों को भी नौकरी आज तक सरकारी नहीं मिली, क्यों? क्योंकि कोई आवाज उठाने वाला नहीं था, पता ही पीछे रह गए, परेशानी बन गई उनको, कोई उनके आवाज उठाने वाला नहीं था, इसलिए अभी उनकी फाइल जो है केवल जी है, जो चुनी लाल का बेटा है, वो वीर सिंह विक्टोरिया का पोता जी है, उनकी फाइल अभी शिशन कोर्ट में उनका केस रवा है, जारी है। तो मैं जल्दी एक जुडिशरी से भी, इंतजामिया से, सरकार से अपील करूंगा कि उनके मसले को जल्दी हल करके उनको एक बल्कि केवल को छोड़कर बाकी जो उनके खानदान में तमाम जो बच्चे आते हैं, अफराद आते हैं, हर की घर के एक एक फर्द को एक आर्मी डिपार्टमेंट की एक जा परमानेंट दी जाए, ताकि वीर सिंह विक्टोरिया की आत्मा को भी शांति पहुंचेगी, उनका नाम जिंदा रहेगा, हयात रहेगा। और दूसरी रही सबसे बड़ी बात ये कि हमारा दौला का इलाका है, वहां पर रोड का जल्दी पहुंचाया जाए, इस साल बड़ी एक लोगों को अमेर थी रोड पहुंच जाए लेकिन नहीं पहुंचा, तो अगले साल नवरात्रि आने से पहले रोड ब्लैक टॉप होके दौला में पहुंचे, उसके बाद मणधार टच हो जाए, सुरूनी
बजेडी कट्टल बिल जो इलाके बचे हैं जो मतलब अनकनेक्टेड एरिए है जिन इलाकों में अभी रोड नहीं पहुंचा है, तो मैं एक मरकजी इंतजामिया से पुरजोर मेरी अपील रही हाथ छोड़कर कि मैं इन लोगों का एक सहारा बनूं, इनके आवाजों को मैं उठाऊं ताकि जो हमारी ये जिस्म है ये एक खत्म हो जाएगा आने वाले समय में। हमारा नाम सिर्फ बाकी वही रहेगा कि हमने किसी के लिए कोई दान किया हो, किसी को पानी पिलाया हो, किसी को सही रास्ता बताया हो, तो हम जो एक सही अच्छे अच्छे शहरी आला शहरी हम माने जाएंगे। ऐसे नहीं हमें कोई मानने वाला है। इसलिए और रही लोगों पर जुल्म ज्यादती करना हम छोड़ दें, किसी को एक नुक्ताचीनी करना छोड़ दें, इससे जो है देश तरक्की नहीं करता है। इत्तेफाक मोहब्बत के साथ भाईचारे के साथ आगे बढ़े और ताकि एक दूसरे की मदद करके अपना एक ऋषि मुनियों का तरीका अपनाए जिससे हमारा देश तरक्की करेगा, मोहब्बत भाईचारा बढ़ेगा, देश में जो है तमाम जो है किस किस्म की परेशानी आती है डेवलपमेंट के एतबार से बात की जाए उस समय एक दूसरे हाथ बटाकर अपना एक देश के लिए नाम कमाएं, देश के लिए एक अच्छी चीज बना कर दें। अगर किसी के बच्चे के पास कोई टैलेंट हुनर है तो एक अच्छा से गिफ्ट कोई चीज बनाकर हमारी कंट्री के लिए वो गिफ्ट कर सकता है। किसी भी मतलब कोई हमारे जो अच्छे से मतलब इंजीनियर्स बड़े बड़े बहुत सारे स्टूडेंट तेज काफी जहनी तेज होते हैं तो अच्छी चीज बनाकर वो अपने देश के लिए एक अच्छा सा एक सरमाया दे सकते हैं। बाकी आगे आप सवाल और कर सकते हैं। सरफराज जी यहाँ पे आपको मैं कहना चाहता हूँ जो बात आपने की ब्लॉकों के बारे में, जैसे डुगन ब्लॉक आ गया, बांजल भटवाल और सुद्रोता डुगैन का अंदर जितने भी ब्लॉक हैं, इन ब्लॉकों में जो जितने भी ऑफिसर साहिबान हैं, जैसे डुगन ब्लॉक की बात आपने की, जितने भी ऑफिसर ब्लॉक के अंदर हैं वो ब्लॉक जहां जहां पे हैं, और खाली आपने ये सच बात कही कि ये खाली नाम के ब्लॉक हैं और काम ब्लॉक कहीं पे रखे हुए, नाम कहीं का है और काम कर रहे हैं ये कहीं पे, तो आप इसके बारे में हमारे JKUT 7 के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि जितने भी ब्लॉक जहां जहां पे ब्लॉक हैं आप एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे चैनल के माध्यम से आप लास्ट में क्या कहना चाहते हैं कि कितना टाइम आप दे रहे हैं इनको कि कब तक ये जो फंक्शन है ये अपने अपनी जगहों पे करना चाहिए, और DC साहब से हमारी जितनी भी कठुआ बनी की एडमिनिस्ट्रेशन है उनको क्या कहना चाहते हैं हमारे JKUT 7 के माध्यम से। देखिए आखिर में जनाब मोहम्मद रफी जी आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर में आपके चैनल के ऊपर मैं ये हुकूमत हिंद से जम्मू कश्मीर इंतजामिया, कठुआ इंतजामिया, बन इंतजामिया, और मैं से पुरजोर मेरी एक अपील रहेगी आपके चैनल को देखने वालों से भी, मैं ये गुजारिश करूंगा इस खबर को जरूर शेयर करना और हाथ जोड़कर JKUT 7 की थोड़ी सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, छोटा सा चैनल आ दीजिए, अभी अच्छा ग्रो कर रहा है, तो उनसे भी गुजारिश करता हूँ चैनल को जरूर जाकर देखने के बाद वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एक पुरजोर मेरी तरफ से आप लोगों से अपील हाथ जोड़कर। तो मैं आखिर में बता देना चाहता हूँ कि मेरी DC कठुआ से भी यही हाथ जोड़कर विनती है, गुजारिश है कि सर एक आप अच्छे काबिल अफिसर हैं जी, आपके सामने बनी मैं पब्लिक दरबार होने के बाद तमाम दीगर अलग अलग लोगों ने अपने अपने जो है सोच विचार रखे थे, अपने तमाम इलाके की मसाइल परेशानियां आपके सामने रखी गई थी, लेकिन आज मैं देखता हूँ उन समस्या पर कोई हल नहीं हुआ है। जी आपसे गुजारिश की जाती है कि इन डुगन में एक सबसे बड़ी परेशानी हमारा आज से आखिर पहले मैंने बताया लेकिन याद नहीं रही, मुझे एक सवाल मेरे जहन फिर याद आ गया था, ATM की बड़ी परेशानी है दुआंग और बनी के अंदर, तो मतलब बनी के अंदर माफ कीजिए ATM 4 है, वहां पर ब्लॉक है, ब्लॉक हेडक्वार्टर है, लेकिन सही बात लुआंग की और डुगन की खबर भी काफी पब्लिक रहती है। लुआंग एरिया बनी ब्लॉक में आता है, हमारा डुगन ब्लॉक प्रॉपर जो है यहाँ पर 12 पंचायत है, लेकिन 12 पंचायत रकबे के लिहाज से बड़ा, आबादी के लिहाज से बड़ा है और प्रॉपर मेन सेंटर डुगन में है, वहां पर पुलिस की पोस्ट भी है, वहां पर जो है ATM जो अभी आना वाले था इससे पहले, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ के जी, जो J&K बैंक के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं वो आए, उन्होंने वहां पर जगह सिलेक्ट कर ली, यहां पर फाइल बना के ओके पब्लिक के साइन होने के बाद लुआंग और डुगन के लिए जी, आज सर साल गुजर रहा है जी, फिर मुझे इसलिए तो मैं गुस्सा करता हूँ जी, गुस्सा जहां पर नरमी से बात की जाए वहां पर नरमी की जरूरत होती है जी, जहां पर सख्ती की बात करने की जरूरत वहां पर गुस्सा करना जरूरी होता है जी, इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि लोग रात के समय परेशानी बन जाती है,
तो जिन लोगों के पास मोबाइल में आज का तो सिस्टम है, डिजिटल का जमाना है, नेटवर्क का सिस्टम है, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर होते हैं, लेकिन कहीं जगहों पर पैसे जो है हाथों से भी मतलब बाई हैंड देना पड़ते हैं। फिर जो है रात को लोग क्या करते हैं, किसी को बुलाकर कोई इमरजेंसी मसला हो जाए तो ढग्गर से लोग बाइक गाड़ी स्पेशल करके 5,000 खर्च करके बने जाते हैं, पैसे लाते हैं। किसी की जान रिस्की होती है, कोई कोई मौत के घाट में पहुंचा होता है, किसी औरत को बच्चा होने वाला होता है, तो फिर जो पैसे बनी से लाना पड़ते हैं एटीएम से जाकर। इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी आपके चैनल से के मुसादत से मैं डिस कुड़वा से अपील करूंगा, सर आपने पब्लिक दरबार में तमाम चीजें सुनी है लेकिन उन पर आज तक उजाला नहीं हुआ है, कोई मसला हल नहीं हुआ है। इसलिए मैं आखिर में ये बता देना चाहता हूँ कि डुग्गन में, लुआंग में बहुत ही जल्द जल्द जो है जल्द अज जल्द बैंक को खोला जाए, यानी बैंक की ब्रांच को खोला जाए, वहां पर एटीएम भी दिया जाए, और जिन इलाकों में कोई नेटवर्क का सिस्टम नहीं है वहां पर भी एक नेटवर्क के सिस्टम को अच्छा किया जाए। हमारे इस डुग्गन में अभी सिग्नल का थोड़ा परेशानी है, जियो की एयरटेल की सही ढंग से नेट वगैरह नहीं चलता है। अभी मैं मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अभी कुछ स्टेटों के अंदर जो है 5G हिंदुस्तान में लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन जल्दी मैं ये अपील करता हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर, लद्दाख यूटी के अंदर, डिस्ट्रिक्ट हुआ के अंदर, तहसील बनी, ब्लॉक दुग्गन, खिता मुल्हार, लुआही, ये तमाम इलाके जो है इसको आपस में जल्दी एक नेटवर्क के निजाम को अच्छा किया जाए। और ये भी बता देना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा एक अच्छा स्टेप लिया है हमारे ये आपके लुआही मल्हार से जी, तो करैनी जगह जो है वहां से धग्गर बनी इलाका जो है जियो की एक लाइन बिछ रही है, तो एक अच्छा निजाम आने वाले समय में बहाल होगा। मरकजी सरकार का एक बहुत बड़ा एक स्लोगन था, नहरा था कि 2022 में हम हर घर में ब्रॉडबैंड पहुंचाएंगे, लेकिन शायद वो ये प्लान इसी साल मुझे लगता है पूरा हो रहा है। रही बात हमारे दौला की ये पार जो इलाके हैं, दरिया के पार वाले इलाके, इन इलाकों में अभी सिग्नल नहीं सही ढंग से चलता है और ना सही ढंग से फोन होते हैं, लोग भी बड़े एक मुतासर होते हैं कि हम हर दिन किसी न किसी सियासतदान की, किसी न किसी मोटिवेशन स्पीकर की, किसी न किसी फिल्म एक्टर की, किसी न किसी सिंगर, अच्छे से बेहतरीन सिंगर गुलकार की, सिंगर की, और अच्छे से हम जो है एक पॉलिटिशियन की इंटरव्यू को सुने ना चाहते हैं, लेकिन सुने तो सुने कैसे, क्यों कि सबसे बड़ी बात यह है कि नेट से ढंग से नहीं चलता है। इसलिए मैं जाते जाते आपसे यही गुजारिश करूंगा कि इस खबर को आप जो है एक अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट पेश करें पब्लिक के लिए। तब से गुजारिश करता हूं कि JQ7 को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आखिर में रफी जी आपका भी शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, हाथ जोड़कर बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने हमें टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपका JQ7 के चैनल के माध्यम से कर रहे हैं आपका शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत बड़ी मेहरबानी, ओके शुक्रिया।